इस हिस्टोरिकल यू नो साइट, और आप जानते हो कि हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है हम भी, तो मैंने जब गाइड ले लिया है, क्या नाम वेंकटेश इज विद पीपल बी माय गाइड, बहुत जरूरी है गाइड यहाँ पर। सो भाइयों, ये है वीरूपक्ष टेम्पल, भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ पर जो है इसको जो है 1336 से 1565 1366 से 1565 के बीच में जो है बनाया गया। करीब 4 डायनेस्टीज जो इसमें लगी हैं और 23 राजाओं ने इसको मिलकर बारी बारी जगह को कंप्लीट किया है, और 1565 के बाद जो है यहाँ पर जो 5 सुल्तान जो आसपास के इलाकों के थे, 5 जो डायनेस्टी इनके जो क्लैंस थे, 5 अलग अलग तरह के सुल्तान थे, उन्होंने एक साथ जो विजयनगर पे अटैक किया था और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 28 किलोमीटर के अंदर जितने भी मंदिर थे, 2000 करीब मंदिर, 2000 मंदिर पूरी तरह से करीब जो निस्तनाबूद पूरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जो कि एक बहुत गलत बात है, लेकिन चलो कर दिए। और जब वो यहाँ पर आए वीरूपक्ष के अंदर यहाँ के आगे, तो इसके अंदर स्वयंभू सिंह एक शिवलिंग है, तो उन्होंने बोला इसके यहाँ तो ना इस मंदिर में ना सोना है, ना चांदी है, ना डायमंड है, तो क्या इसको उजाड़ना, तो इसको छोड़ दिया था इसलिए उस समय। तो ये वीरूपक्ष जो है भगवान भोलेनाथ शिव जी का जो मंदिर है, इसमें जो है 9 सेंचुरी के माता का मंदिर भी है, भुवनेश्वरी देवी का 6 सेंचुरी का मंदिर भी है, 2 इसमें मंदिर है। तो अभी आपको इसके बारे में और बताते हैं। तो वीरूपक्ष मंदिर का जो आप महाद्वार गोपुरम देख रहे हैं, आप 4th नंबर का सबसे बड़ा गोपुरम है ये, इससे जो बड़े हैं वो श्रीरंगम जो तमिलनाडु मैंने आपको दिखाया था, और मीनाक्षी टेम्पल, और बृहदेश्वर जो थंजावुर है। और आप देखेंगे ये पहला ही एकलौता मंदिर है हिंदुस्तान में जहाँ पर आप 3 सिर वाले नंदी को देखेंगे, नंदी बैल जो है भगवान शिव के वाहन, 3 इनके जो फेस हैं, और क्योंकि ये 3 अंदर थे खंडित हो गया था, कर दिया गया था और सुल्तानों द्वारा सुना है, तो उसके खंडित क्योंकि मूर्ति अंदर रखी जाती है, तो उसको जो करके वहाँ से मंदिर के गर्भगृह से उधर से लेकर के मंदिर से लेकर के प्रांगण से लेकर के बाहर इस महागोपुरम के द्वार पर जो ला के रख दिया गया है। पहली बार आप देखेंगे 3 हेडेड नंदी जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया राजा कृष्ण देव राय के राज्याभिषेक के टाइम में से बनाया गया था, और राजा कृष्ण देव राय को जब आप बोलेंगे उनका नाम याद करेंगे तो आपको सबसे पहले जो नाम याद आएगा वो आएगा तेनाली रामन का। तो तेनाली राम थे उनके बुद्धिजीवी, उनके दरबारी, तो वो जो है तेनाली रामन जो है राजा कृष्ण देव राय के दरबार में। तो ये राजा कृष्ण देव राय उनका जो मीटिंग हॉल है 110 पिलर का ये बना है। तो यहाँ से नाउ विल एंटर, मोबाइल अलाउड है नहीं, लेट्स सी। तो यहाँ से हम जो प्रवेश करके अब जो है सेकेंड देखिए अब अंदर वाले हिस्से में इसके भाग में पहुंच गए, ये दूसरा गोपुरम जो आपको दिखा चालुक्य शैली में जो बना हुआ, चलिए दिखाते हैं आप। तो वीरूपक्ष जो भगवान है उनके प्रांगण में आप देखेंगे पहली बार देखे थे कि 5 स्तंभ जिन्हें 5 पीठ बोलते बने हुए, ये है दीप स्तंभ आप देखेंगे यहाँ पर, जो दीप का जो है प्रज्वलित किया जाता है, जो दिया है वो जलाया जाता है। उसके बाद जो है ये है ब्रह्म पीठ, ये पूजा के लिए है, और इसके बाद ये आपका नैवेद्य पीठम, यहाँ पर राइस चलाया जाता है 10 kg राइस सुबह शाम दोपहर 3 बार। ये बेसिकली मंकीज चाव के लिए जो होते हैं उनके लिए, वानर जो उनके लिए, क्योंकि माना जाता है कि विजयनगरम से पहले आदि काल में ये जो है यहाँ पर जो है वानर राज था, पूरा इस एरिया में वानर जो थे बंदरों का उनका राज्य था। और आपने देखा होगा किष्किंधा यहाँ से पास ही है, जहाँ वानर राज सुग्रीव और बाली की कैपिटल हनुमान जी है, तो इसीलिए वानर राज यहाँ माना जाता है कि पहले यहाँ वानर राज था पूरे एरिया में। और फिर ये वाला है ध्वज स्तंभ आप देखेंगे, ये फ्लैग पोस्ट, ये वुडन है, एंड देन इज नंदी मंडपम। तो ये 5 आपके 5 एलिमेंट्स है, 5 पीठ्स जिसे कहते हैं, नॉट एलिमेंट, 5 पीठ है नॉट एलिमेंट, 5 पीठ जो है ये आप देखेंगे मंदिर के पहले गर्भगृह से पहले। आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना है स्टोन का, इस पर सैंडल है चंदन है उसको जो है घिसा जाता था, और ये पंच अमृत पंचामृत जैसे पूजा में बनाते हैं प्रसाद, ऐसे पंचामृत उसके अंदर तैयार किया जाता था। तो इसमें चंदन को घिस के तैयार पूजा के लिए तैयार किया था अभिषेक के लिए, और इसमें जो है को जो है पंचामृत इस पर तैयार किया जाता था। और दोनों ये जो है 14th सेंचुरी के हैं विजयनगर डायनेस्टी के। गाय गाय
तो एंट्रेंस तो मेन गर्भगृह, बट वहां जाने से पहले आपको पहले थोड़ा सा और इधर दिखाते हैं। जितना आप जो है ना अपने देश भारत में घूमोगे, आपकी वर्ल्ड टूर की जो इच्छा है ना थोड़ी देर कम होती जाती लगता है। वर्ल्ड तो हमारे देश वर्ल्ड क्या है, जो पूरे दुनिया में जो सब मिला के नहीं होगा उतना हमारे पास अकेले है। जैसे भारत में सोचता हूँ पहले इंडिया घूमूंगा फिर वर्ल्ड टूर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है यार क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं कहीं देखने के लिए। देख तो आऊंगा फिर भी, लेकिन ज्यादा कुछ होगा नहीं उतना, ठीक है चाम रहा नहीं वर्ल्ड टूर का जितना हिंदुस्तान घूमने के बाद। अपना भारत वर्ष सबसे महान है। नाउ यू सी दिस कल्याण मंडपम, कल्याणम यू नो इज मैरिज, कल्याण मंडप वेडिंग हॉल। तो कृष्णदेव राय के जो वो थे सन इन लॉ, जो थे उनके दामाद थे, जो सन इन लॉ थे और रामा राय, उन्होंने ये बनाया था। और इसका देखो थोड़ा आपको स्ट्रक्चर थोड़ा लग रहा है नया बना हुआ है, नया नहीं है। इसको कुछ सालों पहले जो है इसका जो सफाई कराई है क्लीनिंग आजकल ISI ने करी थी, तो उसके बाद से थोड़ा चमक गया है। तो आपको लग रहा है सब वही 16th century का ही, ये 14th century का पार्ट है और ये सब, और ये 16th century का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कल्याण मंडपम द वेडिंग हॉल एट विरूपक्ष। छत पे आप देखेंगे कई तरह की पेंटिंग्स हैं, फ्रेस्को पेंटिंग जैसे आपने अजंता वगैरह में देखी हो, नेचुरल कलर्स को यूज करके जो है बनाई जाती है। और पेंटिंग्स के अलग अलग सिग्निफिकेंस है। पहली आप पट्टी इसमें देखिए, ये वाली जो पेंटिंग है ये राजा कृष्णदेव राय जो जा रहे हैं उनका पोजिशन है, उनकी पीछे घोड़े हाथी पालकी, ये पहले वाले में। और दूसरा जो आप देख रहे हो ये वाला, इसमें जो है महाभारत का युद्ध दिखाया हुआ कौरव पांडव का। फिर आप ये देखेंगे ये अर्जुन जो है मछली की आंख में निशाना लगाते हुए, यह है द्रौपदी का स्वयंवर। उसके बाद आप ये देखिए ये है ये 10 अवतार, दशावतार, ऑल 10 अप देयर। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आप ये देखेंगे सॉरी पेंटिंग में यहाँ भगवान शिव जो है अपनी योग साधना में लीन थे, और उसी समय जो है कामदेव ने उनको जो है उन पर जो है अपना जो है काम अस्त्र यानी उनका जो तीर था क्यूपिड एरो जिसे अंग्रेजी में कहते हो चलाया, और उसके बाद वो एंग्री हो गए और गुस्से में उन्होंने फिर जो है उनको भस्म कर दिया था। और ये आप देखेंगे ये दीज आर द 8 गार्डियंस, जो 8 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, 8 डायरेक्शंस, उनके 8 गार्डियन हैं, ये उनकी पेंटिंग्स हैं। आगे आप आएंगे तो भगवान शिव का, शिव और पार्वती का विवाह जो है इन पेंटिंग्स में दिखाया गया, फ्रेस्को पेंटिंग्स में। और इसके बाद लास्ट में आप इधर आएंगे तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की जो है यहाँ पर जो है पेंटिंग बनी है। इसके अलावा जो स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं जैसे भगवान शिव का विवाह दिखा, ये सब बाद में ब्रिटिश टाइम में बाद में बनाए गए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो कल्याण मंडपम बिल्ड बाय रामा राय द सन इन लॉ ऑफ राजा कृष्ण देव राय, एंड दिस फ्रेस्को पेंटिंग्स आर इन अ वेरी गुड कंडीशन। आई जस्ट लव माय इंडिया, आई जस्ट लव माय भारत। दिस एंट्री फ्रॉम द कल्याण मंडपम टू द गर्भगृह वेर यू कैन सी भगवान शिवा, दिस एंट्री इज फॉर रॉयल फैमिली ओनली, एंड फॉर द टूरिस्ट पार्ट यू हैव टू टेक एंट्री फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कल्याण मंडपम। सो विल गेट डाउन फ्रॉम हियर, ओके, एंड फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड विल गो टू द गर्भगृह, और गर्भगृह में जाके जो है भगवान शिव के दर्शन करेंगे। और जैसा आप जानते हो कि गर्भगृह में कहीं पर भी कैमरे अलाउड नहीं होते, तो वी वोंट बी एबल टू शो यू इनसाइड, बट बाहर से जो एंट्रेंस है एंट्रेंस कैमरा नॉट अलाउड अभी यहीं तक, ओनली आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, दिस इज द एंट्री टू गर्भगृह। ओके, हम आए थे अंदर और सामने से कल्याण मंडप से मैंने कहा था एंट्री रॉयल फैमिली के साइड से जो एंट्री यहाँ से, ये टूरिस्ट के लिए, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। पक्ष स्वामी टेम्पल, शिवजी टेम्पल इज देयर, देन पंपा देवी टेम्पल इज देयर, माता टेम्पल, एंड देयर इज द भुवनेश्वरी देवी टेम्पल हियर,
the photography inside is not allowed, so I'll show you. So पंपा देवी और भुवनेश्वरी देवी माता के मैंने जो दर्शन कर लिए हैं, और दोनों टेम्पल एक 6th सेंचुरी का है और एक 9th सेंचुरी का बना हुआ है, और पंपा के नाम से रिवर भी आप देखोगे तो सबरी मतलब पंपा नदी बड़ी फेमस है यहाँ पर, और साउथ में हाँ पार्वती का नाम जो देवी पार्वती का नाम है पंपा, तो वो उनके नाम पे आप सबरीमला में गया था तो वहाँ भी पंपा नदी में स्नान करके आपको जो है उसके बाद ही आप पैदल यात्रा ऊपर की शुरू करते हैं सबरीमला की। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और ये तो मंदिर तो आपको भोलेनाथ का, शिव जी का ने बताया दिया, विरूपक्ष जो स्वामी टेम्पल है। गो टू द अदर साइड ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द महागोपुरम फ्रॉम वेयर वी एंटर्ड द विरूपक्ष कॉम्प्लेक्स टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एंड नाउ वी शैल बी गोइंग टू द अदर पार्ट ऑफ इट विच आई शो यू नाउ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये महागोपुरम जिससे हम एंटर किए थे, ये आपको शायद दूर लाइट पड़ रही है नहीं दिखेगा, यहाँ से महागोपुरम की जो लाइट है छोटे से क्षेत्र से जो होती है, और यहाँ पर 200 मीटर दूर जो है इसके अंदर आप देखिए ये गोपुरम की इन्वर्टेड इमेज दीवार पे फॉर्म हो रखी है, और ये इन्वर्टेड इमेज जो है सबसे बड़ी मानने की बात का, अर्थ का रोटेशन हो रहा है ना, और रिवॉल्व भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है ना, उसके बावजूद ये जो आपका जो है पिन होल कैमरा टेक्निक, ये जो आपकी जो रिफ्लेक्शन है, जो इमेज जो इन्वर्टेड इमेज जो फॉर्म हो रही है ऐसे ही रहती है, ये शिफ्ट नहीं होती है, दैट इज 24x7x365.25 ये इमेज जो है इन्वर्टेड ऐसे ही रहती है, सन का एंगल चेंज होता रहे, पृथ्वी घूमती रहे, कुछ भी हो जाए, दैट इज यू नो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जस्ट लाइक पिनहोल कैमरा टेक्निक इन्वर्टेड इमेज विच इज फॉर्म। तो भाई लोग ये चालुक्य स्टाइल के सेकंड जो गोपुरम है वहां से, वो फर्स्ट वाला महागोपुरम से एंटर किया था, अंदर विरूपक्ष स्वामी भगवान शिव के मंदिर भुवनेश्वरी माता पंपा देवी और उनके दर्शन करने के बाद यहाँ से चालुक्य जो है गेट से मैं आपको जो है बाहर ले आया हूँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर गेट। देखो ना हम्पी देखो कितना बढ़िया रहा उस जमाने, मतलब चारों तरफ, और ये कुंड है द पॉन्ड ऑफ द टेम्पल like a procession water tank yeah her every year twice temples celebrating both function celebrating sir december and april month to december april mein aap function hote hain aur ye dekhiye aap ye jo steps bane hain niche aane ke niche jaane ke steps hai par now dekhiye us zamane ke steps kitna badhiya hai aisa thodi unesco world heritage site hai are bhai sab भारतवर्ष से महान कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है रोम की सभ्यता होगी, रोम जाने का मन है एक बार, लेकिन जो मज़ा यहाँ है ना यार, वर्ल्ड टूर में पोस्टपोन करता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसको लगता है कि ठीक है पहले हिंदुस्तान ढंग से देखो यार, तब आपको जाओ देखने कुछ, और यहाँ बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ, और मेरे पास भी बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है मुझे, धरती पर मैंने जन्म लिया ये सोच सोच इटलाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात गोपुरम 200 मीटर एंड देन 200 मीटर के बाद मंदिर के दूसरे कोने पे आप मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इन्वर्टेड इमेज दीवार पे बनी है, और ये इमेज जस्ट की तस रहती है 12 महीने, कितना भी रोटेशन रिवॉल्यूशन हो तो अर्थ का एंगल ऑफ द सन सब चेंज हो जाए, बट ये इसी जगह पे रहती है 12 महीने, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ यहाँ पर जो है हम्पी के फाउंडर जो है जिन्होंने इसको इसके बारे में इसको डिस्कवर किया कि हाँ हम्पी जगह थी किस जमाने में, विजयनगर डायनेस्टी की इम्पोर्टेंस को जाना, तो वो जो थे विद्यारण्य स्वामी, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये अंदर दिख नहीं पा रहा है कि मैं आप दिखा पाता हूँ उनकी आपको इमेज अंदर, लेकिन इसके अंदर उनका जो है स्टैचू है, फाउंडर ऑफ हम्पी फादर ऑफ हम्पी। तो